राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आया हूँ कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन घूमने के लिए, और आज मैं आपको पूरे वृंदावन के दर्शन कराने वाला हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों वृंदावन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे जब भी आप वृंदावन घूमने के लिए आएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़े ही आराम से वृंदावन को घूम सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वृंदावन कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको होटल या धर्मशाला कहाँ लेना चाहिए, वृंदावन को घूमने का सही तरीका क्या है, वृंदावन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको इस प्यारी सी यात्रा में कितना बजट लगने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप वृंदावन कैसे पहुंचेंगे। वृंदावन पहुंचने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन मथुरा तक आ सकते हैं। मथुरा बहुत ही वेल कनेक्टेड है, आपको अपने राज्य से मथुरा तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दूसरे तरीके की बात करें तो आप बाई बस भी वृंदावन तक आ सकते हैं। आपको मथुरा तक की डायरेक्ट बस मिल जाएगी जहाँ से भी आप आएंगे, या फिर वृंदावन की भी डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो आप दोनों ही तरीके से मथुरा तक पहुंच सकते हैं, एंड मथुरा से वृंदावन पड़ता है मात्र 11 किलोमीटर। बात करें अगर होटल की, तो वृंदावन में आपको आराम से 500 से लेकर 1000 रुपये तक की रेंज में अच्छा होटल मिल जाएगा। सो आप पूरे वृंदावन में आपको रुकने की कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदावन में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको आराम से बैटरी वाले रिक्शे मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ देंगे। सो सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन में घूमने के लिए प्रेम मंदिर। अगर मथुरा से आप वृंदावन तक बाई बस भी आ सकते हैं, बस भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको बस से आना है बस से आ सकते हैं, बैटरी वाले रिक्शे से आना है तो बैटरी वाले रिक्शे से आ सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर सुबह के 12 बजे तक ओपन होता है, दोपहर के टाइम पे ये बंद होता है, एंड शाम को फिर से 4 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप जिस टाइम पे भी आएँ, अगर मॉर्निंग में आ रहे हैं तो 12 बजे से पहले दर्शन कर लीजिएगा, इवनिंग में आ रहे हैं तो 8:30 बजे से पहले आपको दर्शन करने होंगे। प्रेम मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पहुँचने का इवनिंग का। इवनिंग में बिकॉज यहाँ पे तरह तरह की लाइटें जलती हैं मंदिर में, आप देख सकते हैं जैसे। सो इस तरह की लाइट वगैरह अगर आपको देखनी है, झांकियाँ देखनी है, तो आप इवनिंग में ही प्रेम मंदिर आइएगा। प्रेम मंदिर 2 फ्लोर का बना हुआ है। नीचे वाले फ्लोर पे दर्शन करने के बाद बहुत से भक्त लोग सीधा बाहर चले जाते हैं, तो आप ऊपर जाना ना भूलिएगा। ऊपर भी राधा कृष्ण जी के दर्शन करके तभी बाहर निकलिएगा। अंदर दर्शन करने के बाद आपको बाहर आके आप तरह तरह की झांकियां देख सकते हैं, जैसे गोवर्धन की भी झांकी यहाँ पे बनी हुई है। सो गोवर्धन पर्वत की झांकी देख सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारी झांकियां देखने को मिलेंगी यहाँ पे। पूरे प्रेम मंदिर को विजिट करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो आप जब भी आइएगा इसके क्लोजिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए तभी आइएगा, एंड यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। हो सके तो आप खाली हाथ ही आइएगा या होटल प्रेम मंदिर के आसपास लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई सामान ना रहे और आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकें। प्रेम मंदिर को घूमने के लिए बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, एंड आज की डेट में फिलहाल प्रेम मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है वृंदावन में, तो यहाँ पे आप विजिट करने जरूर आइएगा। बात करें अगर दूसरे नंबर पे आप जा सकते हैं। वृंदावन में ही इस्कॉन टेम्पल पड़ता है, तो आप इस्कॉन टेम्पल में भी घूमने जा सकते हैं, जो कि प्रेम मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इस्कॉन टेम्पल के बाद आप तीसरी जगह जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर आप चाहे डे में जाएँ चाहे इवनिंग में जाएँ, आप दोनों टाइम में से किसी भी टाइम पर जा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। सो ये तीनों जगह, जो चारों जगह मैंने आपको बताई है, चारों आसपास हैं।
इसके बाद आप जा सकते हैं पुराने वृंदावन में। पुराने वृंदावन में आपको निधिवन देखने को मिलेगा, आप निधिवन में घूम सकते हैं। सो ये थी प्रेम पूरे वृंदावन की, सारी फेमस जगह मैंने आपको बता दी हैं। तो ये जगह आप आराम से वृंदावन में घूम सकते हैं, आपको एक दिन लगेगा और कुल खर्चा आपका 1000 से 1500 रुपये तक आएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।